हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डिलीट कमांड की। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर डिलीट कमांड को कैसे यूज किया जाए उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। यहां पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2007 वर्जन हमारे पास मौजूद है और हम इसी को लेकर के चलेंगे। तो यहां पर देख सकते हैं रोल नंबर के अंदर रोल नंबर एंटर्ड है और यहां पर नेम ऑफ स्टूडेंट के अंदर नेम ऑफ स्टूडेंट्स के नाम भी दिए गए हैं। इसके बाद क्लासेस के नेम यहां दिए गए हैं। ये तीन ही फील्ड यहां पे बनी हुई है, ठीक है। अब हम इस टेबल को क्लोज कर देते हैं। सेव ऑलरेडी है, किस नाम से सेव है? टेबल वन के नाम से। अब हम क्वेरी बनाएंगे। तो क्वेरी कैसे बनाएंगे? तो एसक्यूएल के अंदर क्वेरी बनानी है। तो यहां से जाएंगे, यहां पे क्लिक करेंगे और यहां पे क्लिक करने के बाद इसको क्लोज कर देंगे। जैसे क्लोज करेंगे यहां पर एसक्यूएल नजर आएगा, बस क्लिक कर दीजिएगा यहां पर। और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर लिखना है। क्या लिखना है? लिखना है यहां पे डिलीट कमांड। तो ये लिखा डिलीट। अब क्या डिलीट करना है, ठीक है, यहां पे डिलीट लिख दिया। अब क्या डिलीट करना है हमें? तो हमें डिलीट करना है फ्रॉम टेबल वन। टेबल वन जो हमने बनाया है उसी में से कुछ डिलीट करना है, ठीक है। अब यहां पे कंडीशन देंगे वेयर, WHERE। तो ये दे दिया वेयर। अब जहां पर क्या हो वेयर, तो यहां पर हम बात करेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट की। तो ये देखिए नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट्स। तो नेम ऑफ स्टूडेंट्स में से जहां पे नेम ऑफ स्टूडेंट क्या हो, जहां पे नेम ऑफ स्टूडेंट हो श्याम, SHYAM। तो अगर श्याम नाम का कोई स्टूडेंट का नाम है तो वो डिलीट हो जाएगा। अब एक बार चेक भी कर लिया जाए श्याम नाम से कोई स्टूडेंट है, तो ये देखिए यहां पर है। तो ये रोल नंबर टू वाला सीरीज जो है ना डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे डिलीट होगा, चलिए ये समझते हैं इसको। यहां पर आएंगे, अब यहां पर लास्ट में आपको सेमी कॉलन देना है। सेमी कॉलन का मतलब होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन दे दिया। अब यहां से इसको रन करवा दीजिए। डिजाइन पे जाएंगे, पूछेगा यू आर अबाउट टू डिलीट वन रोज फ्रॉम द स्पेसिफाइड टेबल। तो क्या आप वन रो को डिलीट करना चाहते हैं और एक बार आपने डिलीट कर दिया तो अनडू कमांड आपके लिए नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। हम यस कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अभी डिलीट हो चुका है, अब इसका क्या प्रूफ है कि ये डिलीट ही हो गया, तो वो अभी देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये क्वेरी हम सेव कर लेते हैं। तो जो बनाया उसको क्वेरी वन से ही सेव कर लेता हूं और यहां से क्लोज भी कर देता हूं, ठीक है। अब यहां पे देखिए यहां पर क्या आ रहा है टेबल के अंदर, डिलीटेड डिलीटेड डिलीटेड। यानी कि जो आपका सेकंड वाला श्याम जो था वो जो हिस्सा है वो डिलीट हो गया। तो यहां पर ये डिलीट कमांड ऐसे ही काम करता है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है।